हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सारे निकल रहे हैं घूमने के लिए फिर से। मैं आपको पहले इन लोगों से मिला देता हूँ जिनका इस ट्रिप के पीछे एक खास योगदान रहता है। ये लेबर हम कभी देख नहीं पाते, पर ये हमेशा हमारी ट्रिप के पीछे एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये है मेरी लोग भाई, ठीक है, और ये है बड़की भौजाई। तो ये दोनों लेबर हमेशा यहीं मिलते हैं और कुछ बना रहे होते हैं। मैं दिखाता हूँ आज ये क्या बना रहे हैं। ये है पुलाव, ऐसा लग रहा है बिरयानी बाइक किलो की तरह पैक करके अभी डिलीवर कर देंगे। ये जो छोरी है, जा का नाम काबू है, जा हमारी भतीजी है। और ये देखिए, ये इधर मुकर रहे, ये है देव, कौन नहीं छीनेगा, ये देव, ये हमारा भूंडा बालक है, और ये है भाई जिनको हम एज अ ड्राइवर यूज कर लेते हैं। ही इज अ बिग ड्राइवर। यहाँ पर पैकिंग के लिए पानी पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, और मैं गाड़ी की वॉशिंग करके आ चुका हूँ। तो गाड़ी भी नीचे खड़ी है, मैं वॉश कर दिए पूरी। अब गाड़ी में सामान टेकेगी और निकल जाएगी, लगभग सब रेडी है, लेबर्स को छोड़ के। और मम्मी ऊपर अपने पौधों को पानी देने गई हुई है, मम्मी के आते ही सब निकल जाएंगे। ये वो लेबर है जिसके जैसे हम लेट हो रहे हैं। तुम्हारे लिए कर दें सारे, शौक नहीं है लेट होने का, हमेशा इनकी वजह से लेट हो जाते हो। और चावल में नमक भी कम है और मिर्ची भी ज्यादा है। ये लेबर था वो जिसने नमक कम और मिर्ची ज़्यादा करी। ये मेरी मम्मी जो पौधों को पानी देती रहती है। मैं मम्मी की कलेक्शन दिखाता हूँ। मैं जो सी भी टंकी किसी की भी खराब हो, इस छत पे आ जाती है और पौधों में लग जाती है। फिलहाल अब तो कम हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। भाई आज जा रहे हैं, परसों वापस आ जाएगी। और ये इतना लगेज है देखो, इतना ज़्यादा, कोई बंदा पूरा महीना रुका है इतने लगेज में, और ये हमारा सिर्फ एक दिन का है। ए कुली। भाई निकल पड़े ऋषिकेश के लिए, पूरा शीशा साफ करने के बाद भी इतना गंदा रह गया। भाई दिल्ली के पहाड़ आगे ये पूरा कूड़े के पहाड़ है। दिल्ली का जितना भी कूड़ा होता है यहाँ पर सेट कर दिया जाता है। ये अक्षरधाम, ये देखिए, ये आगे पूरा व्यू अक्षरधाम का। भाई मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ गया, स्पीड लिमिट 100 हो चुकी है, और अब भगाओ गाड़ी को। टैक्स का नियम है फास्टैग आने का, एक मिनट में अगर 300 मीटर के अंदर पार नहीं करा तो टोल फ्री। ढाबे पे खाना खाने रुके,
और खाना हम इस होटल पे खा रहे हैं, झाल ढाबा, जो कि मेरठ से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे है। और हम खाना खाने के लिए अपना खुद सामान लेके आए, बट ढाबे पे चाय लेंगे और अपना ही खाना खाएंगे। ये इनकी साजिश है कि ढाबे वाले को 10 रुपये नहीं कमाने देंगे। देवू अपना डिनर करते हुए, देवू के बाद हम अपना डिनर करेंगे। उठ गई भाभी आप सारे रास्ते सो के? गंगा मैया जी के दर्शन हो गए, देख लो अगर थोड़ी दिखती है तुम्हें तो। बोलो गंगा मैया की जय। तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और ये जा रही है अपनी पूरी पार्टी। अब फॉलो करते हैं और आज की मस्ती को शुरू करते हैं, देखते हैं। आइए तो आपको हरिद्वार का टूर कराते हैं। आप मार्केट है छोटी सी पार्किंग के सामने, उसके बाद आप हर की पौड़ी पर चले गए और वहाँ की मार्केट खाते हैं आपको। तो ये सारी हर की पौड़ी के सामने की मार्केट है, हरिद्वार की काफी फेमस है। ये हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट, लगभग सब लोग यहीं पर ही नहाते हैं। और इस बार तो इन्होंने स्टील की रेलिंग भी लगा दी, पिछली बार जब हम आए थे तो चैन पड़ी रहती थी, तो काफ़ी काम हुआ है। बहुत चेंज हो गया है हरिद्वार पहले जब मैं आया था उसको। यहाँ पर अब चाय पिएगी, चाय आम तो फिर चाय ही। अब हम निकल रहे ऋषिकेश के। शानदार नज़ारे, ये पुल बहुत ही शानदार लग रहा है, साइड से गंगा जी का तेज बहाव। हरिद्वार में गंगा मैया के दर्शन करके अच्छे से मुंह हाथ धो के अब सारे आगे बढ़ चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। आगे की जर्नी मैं आपको कल दिखाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।